नमस्कार, न्यूज ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नेताओं की। जो नेता चुनाव के समय जनता को जनार्दन मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और चुनाव जीतने के बाद उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन आता है, इसका नज़ारा अक्सर ही सत्ता में बैठने वाले लोग दिखाते रहते हैं। बात बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की हो रही है, क्योंकि 15 साल तक बीजेपी सत्ता में रही तो बीजेपी के कई नेताओं को भारी घमंड हो गया था और वे मंत्री या जिसको कहें मुख्यमंत्री, जो जनता के बीच होने का दावा करते थे, वे ही अपने बंगलों पर या कार्यालयों पर जनता से मिलने से मना कर देते थे। आज भी स्थिति कुछ ऐसी ही बनती जा रही है। ये बात हम नहीं, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता अब कहने लगे हैं। वे कहते हैं कि कई मंत्रियों को और खुद मुख्यमंत्री को अब ये लगने लगा है कि जनता भीड़ है और इस भीड़ का हिस्सा जो है वो उन्हें सुहाता नहीं है। वो इसलिए नहीं सुहाता कि अब वो चाहते हैं कि 5 साल तक वो निष्कंटक राज करें और जनता सिर्फ देखे। पर बात यहाँ ये उठती है कि अगर कांग्रेस की ही बात करें हम, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सार्वजनिक मंच से ये कह चुके हैं कि जो मंत्री मुख्यमंत्री जनता के लिए अपने दरवाजे बंद रखेंगे, उन्हें मैं हटाने में एक क्षण की देरी नहीं करूँगा। तो पूरा मसला क्या है और जनता क्या चाहती है अपने नेताओं से, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के शैलेंद्र प्रधान जी। वो जनता के बहुत करीब भी रहे हैं, यही वजह है कि आज भी उनके विधायकी के कार्यकाल को लोग याद रखते हैं। मैं बात करूँ दीपचंद यादव जी की, तो कांग्रेस की तरफ से वो अपना पक्ष रखेंगे। वे भी एक मेयर के रूप में, भोपाल के मेयर के रूप में या अन्य पदों को जब उन्होंने किया, तो वहाँ जनता के बीच हमेशा रहना और उनके लिए या जनता के काम के लिए आगे रहना, ये उनकी खूबी रही। तो वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रहेंगे। और बात करूँ मैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, तो सतीश सक्सेना जी रहेंगे। वो निष्पक्ष तौर पर अपनी राय रखेंगे दोनों दलों के बारे में और नेताओं के बारे में। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सबसे पहला सवाल प्रधान जी आपसे, कि आपके कई मंत्रियों को जिस तरह का घमंड हो गया था, जिस तरीके की स्थिति हो गई थी कि वो बंगलों में बैठे रहते थे, ऑफिस में बैठे रहते थे, पर जनता से मिलने में आनाकानी करते थे, वही स्थिति अब इसको कहें कांग्रेस के साथ भी हो रही है। खुश हो रहे हैं आप इसको देखकर? देखिए, एक पुराना फिल्मी गाना है कि पब्लिक सब जानती है, और ये जो नेताओं का व्यवहार है, जैसे ही वो कुर्सी पे पहुंचते हैं तो साला में तो साहब बन गया। एक वो फिल्म अगेन मैं याद दिला रहा हूँ, सगीना महतो थी जिसमें था कि महतो साहब बन गया। तो जनता 2 मिनट लेती है वो कुर्सी से आपको जमीन पे लाने। ये जरूर है कि 5 साल का आपके पास ग्रेस पीरियड रहता है, और इस वक्त आप जितना अपना व्यवहार जनता के प्रति समर्पित भाव से रखोगे, जनता आपको उतने ही सम्मान के साथ पुनः स्थापित करती है। और जो इसके विपरीत गया उसको उसके फल भोगना पड़े, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और चाहे कांग्रेस की सरकार हो या कोई भी सरकार हो। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और यहाँ आपसे दीपचंद जी ये सवाल कि जो आपके नेता ये कहते नहीं थकते थे कि वो जनता के लिए रात दिन जुटे रहेंगे, अब कई मंत्रियों की हालत ये है कि उन्होंने अपने फ़ोन ही बंद कर लिए हैं। आप कहें तो मैं उनके नाम भी गिना दूंगा। मुख्यमंत्री की बात करें तो मंत्रालय में ये स्थिति हो गई कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री से नहीं मिलने जा रहे, राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। तो ये हालात कांग्रेस के लिए ठीक हैं? देखिए, अभी शैलेंद्र जी ने जो बात कही, जनता सब जानती है, तो प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। मैं इस बात से सहमत हूँ। यदि अभी सरकार बने बहुत ही कम समय हुआ है और इसी इतने कम पीरियड में मंत्रियों का या मुख्यमंत्री के कार्य का उन कार्यशैली का आकलन करना, मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन ये बात भी सही है कि मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को, सबको, उनको अपने दायित्वों का जो जनता ने उन पर विश्वास करके भेजा है,
उस पर खड़े उतरने के लिए पूरी प्रयास करना चाहिए और उनको अपने दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए तो खोले ही, लेकिन उनको जनता के लिए भी अपने दरवाजे पूरी तरह से खुले रखना चाहिए। और जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, दूसरे लोग हैं, उनको भी साफ साफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि जो जनता के सही कार्य हैं उनको मंत्रियों के बंगले तक नहीं जाना पड़े, बल्कि उनको जाए अगर सीधे अगर अधिकारी के पास जाते हैं और वे जेन्यून काम है तो उसको तत्परता से करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की विलम्ब नहीं करना चाहिए, जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। ये मैं आपसे आपके चैनल से मंत्रियों को भी सुझाव दूंगा और प्रशासनिक अधिकारियों को भी सुझाव दूंगा। और प्रकाश जी, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, वो मंत्रियों से मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट कह के गए, पूरी जनता के सामने कह गए, अगर आपने जनता के लिए अपने दरवाजे बंद करे, जनता ने जो आपसे अपेक्षाएँ की हैं अगर उस पर आप खड़े नहीं उतरे तो आपको एक मिनट भी नहीं लगेगा अपनी कुर्सी से हटाने के लिए। बिल्कुल सतीश जी, आपने चूँकि लंबे समय से पत्रकारिता की है और तमाम शासन देखे हैं, कांग्रेस बीजेपी सभी के, जो परिवर्तन आ रहा है चाहे वो अधिकारी हों या नेता हों, चूँकि शुरुआत जो गंगोत्री है वो तो नेता ही बनाते हैं, तो जब नेता नहीं मिलता है जनता से, कार्यकर्ताओं से, तो वैसी ही स्थिति फिर अधिकारी की हो जाती है, वो भी कहता है कि मैं नहीं मिलूँगा। आपका क्या अनुभव है कि अब बीजेपी की सरकार जाने के बाद, कांग्रेस की सरकार आने के बाद कुछ परिवर्तन हुआ है, डिसीजन लेने में, उनका इम्प्लीमेंट कराने में कुछ तेजी आई है या सब कुछ वैसा ही है? तिवारी जी, अभी मेरा सोच जहाँ तक है, अभी ये सरकार जो है तवाजा सरकार हो गई है। अभी सर जी, आप उन्होंने घोषणा की थी हम किसानों के 2-2 लाख रुपए जो है वो माफ कर देंगे। 5 किसानों के नाम बता रहे दीपचंद जी मुझे, 5 भाई इन किसानों के, इस जिले के 5 किसानों के 2-2 लाख रुपए उनके खाते में पहुंच गए। एक जो अधिकारी पहले सरकार को गवर्न कर रहे थे वही अधिकारी आज सरकार को गवर्न कर रहे हैं। सारा का सारा सिस्टम जो है सीएम हाउस पे सिमट कर गया है। चीफ मिनिस्टर मीडिया तक से मिलना नहीं चाहते, आम पब्लिक की बात तो छोड़ दीजिए आप। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को बैठा रखा है जो वो अधिकारी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। जनसंपर्क का तो वही समझ लीजिए आप कबाड़ा करके रख दिया, ऐसे लोगों में लाकर बिठा दिया है, कुछ पर पूछिए आप, कुछ मिला के ये है कि अभी इतना होच पोच कर दिया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लोकसभा भी सिर पे ऊपर है। आप मुझे बताइए, मंत्री 3-3 बार चिकित्सालय का निरीक्षण करने जा रहा है, इसके बाद भी वहाँ स्थिति जो है जिसकी तरह से। सवाल ये है कि ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये लोकसभा चुनाव के पहले। अभी अगले महीने में ये आचार संहिता लग जाएगी, तो ना तो किसानों के कर्जे माफ हुए, ना आप आम जनता की बात सुनने को तैयार है। तबादले हो रहे हैं, तबादले भी कहाँ से हो रहे हैं, सीएम हाउस से। अगर भाई जिले के लोगों से बात करके, विधायकों से बात करके ट्रांसफर हो रहे होते तो मान लेता था हम भाई ये विधायकों की या जिला के पदाधिकारियों की पसंद से स्थानांतर हो रहे हैं। जो अधिकारी पहले शिवराज जी के करते थे काम, वही अधिकारी आज वहाँ कमलनाथ जी क्या कर रहा है। वो कमलनाथ जी तो पहले ही VIP थे, अब वो और वो जा रहा VVIP हो गए, जनता से नहीं मिल रहा है। दीपचंद जी, ये बात जो कह रहे हैं सक्सेना जी कि जनता से मुलाकात जो है वो कम हो गई है, कार्यकर्ता भी आपका त्रस्त हो चुका चला है, और सबसे बड़ी बात ये है कि लगभग 2 महीने हो चुके हैं, तो अब ये 2 महीने हो चुके हैं उसके बाद भी आपको नहीं लगता कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह गए तब तो सुधार होना चाहिए कामकाज में? देखिए, यहाँ तक कि जनता से मिलने का मुख्यमंत्री का सवाल है, जनता से निरंतर मिल रहा है, समय निर्धारित किया गया जनता से। आज उनका जो जारी सुन तो लीजिए, कल उनका जो शेड्यूल जारी हुआ है उसमें 2 दिन मंत्रियों के लिए हैं, 2 दिन विधायकों के लिए हैं। जनता का कहीं अता ही पता नहीं है कि मंत्रालय में कब मिलेंगे, अपने घर पे कब मिलेंगे। देखिए, जनता से तो वो जब भोपाल में रहते हैं तो सुबह का वक्त सुनिश्चित है, वो जनता से मिलते हैं और अच्छे एक एक व्यक्ति से मिलते हैं और उनके जो भी आवेदन होते हैं या जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए वो प्रयास करते हैं। और अभी सतीश जी ने किसानों की बात कही, किसानों का अभी उन्होंने सबसे पहली घोषणा किसानों के कर्ज माफ़ करने की लिखी थी। 5 नामों की बात मैं यहाँ पर रजिस्टर लेकर नहीं बैठा हूँ, लेकिन जब पूरी प्रक्रिया उसका माफ़ करने के लिए जो होगी उसमें गलत अपात्र लोगों को ना मिल जाए, वो पात्र लोग ना छूट जाएं, उसकी पूरा समीक्षा करने के बाद में जो नीति निर्धारित की गई उसके मुताबिक जो हमने अपने वचन पत्र में, कांग्रेस पार्टी ने जो वचन पत्र में वादे किए जनता से चुनाव से पहले, उस पर हम 100% खरे उतरेंगे।
चलिए आप ये बताइए, जो सवाल उन्होंने उठाया कि 5 ऐसे किसान आपको पूरे प्रदेश में नहीं मिले जिनका कर्जा माफ़ करके आप, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आभार प्रदर्शन करने आए थे किसानों का परसों, उनके हाथों उनके कर कमलों से कुछ दिलवा देते कि ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र किसानों को दे रहे हैं हम, ये तो इतनी भी मतलब हैसियत नहीं बची सरकार की कि 5 किसानों को भी चुन लेते? नहीं नहीं, देखिए ये सब बात 5 किसानों की उसकी बात नहीं है। हाँ, सवाल ये है कि मैंने अभी जैसा कहा कि इस तरह से कहीं उसके अंदर ऐसे अपात्र लोगों के नाम ना जुड़ जाएं। अरे दीपचंद जी, कांग्रेस इतना बड़ा संगठन है, 5 तो कांग्रेस ही मिल जाएंगे। नहीं, नहीं, अगर 5 कांग्रेसी अगर किसान मिल जाते आपको तो उन्हीं का सम्मान करा देते आप। देखिए करना चाहिए था, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, कराना चाहिए था और 5 का कम से कम 11 या जो भी टोकन जो होते हैं उसका कराना चाहिए था, उस पर चर्चा भी हुई थी और ये बात माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके सामने आई भी थी, मैं स्वयं वहाँ पर मौजूद था और टोकन उनका कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनसे बताया था हमारी पूरी समीक्षा कर रहे हैं और कहीं किसी भूल से एक ऐसी ना हो जाए भूल जिसकी वजह से हमारे ऊपर किसी प्रकार के आरोप लगे, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ किसानों के जो कर्ज माफ़ करने की बात की है उनको जो भी पात्र लोग हैं उनके कर्ज माफ़ किए जाएंगे और प्रतिबद्धता है मुख्यमंत्री की। बस ऐसी प्रतिबद्धता बनाए रखो, जनता से मत मिलो और बस घोषणाएं करते रहो। यहाँ शैलेंद्र जी आपसे ये सवाल कि ये चीज़ बीजेपी में थी कि बीजेपी के कई मंत्री इतने उच्च श्रृंखल हो गए थे कि वो ना विधायकों की सुन रहे थे, ना कार्यकर्ताओं की सुन रहे थे, ना मीडिया की सुन रहे थे, ना जनता की सुन रहे थे, तो 13 के 13 मंत्री जो हैं उसमें धराशायी हो गए। तो आपको लगता है कि ये जो आने वाला लोकसभा है तब तक जनता इनके कार्यकलापों को इसी तरीके से वॉच कर लेगी? देखिए जैसा आपने कहा 13 मंत्री धराशायी हो गए, तो वातावरण आपके प्रति या आपके विपरीत आप खुद ही निर्मित करते हो, तो उसके लिए बहुत आवश्यकता नहीं होती। इस तरह जैसा ही अभी कांग्रेस के माननीय मंत्रीगणों माननीय विधायकगणों का जो व्यवहार है उससे जनता खुद ही इनके प्रति नाराज़ होगी और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। हम ये नहीं चाहते कि जनता का भला ना हो, पर हम निश्चित ही चाहेंगे जो इनका व्यवहार है उससे यही दिखता है कि कांग्रेस लोकसभा की तैयारी के प्रति कम समर्पित है, खुद के विनाश के प्रति ज़्यादा समर्पित दिखता है। सर जी आपको क्या लगता है कि ये जो कार्य पद्धति है मंत्रियों की, आपने चूंकि बहुत कार्यकाल देखे हैं अलग अलग सरकारों के, तो पहले क्या सिस्टम होता था, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो कार्यकर्ता से हो, चाहे वो जनता से हो, तो उनसे मिलने की क्या परंपराएं होती थी और आज क्या हो गया है? तिवारी जी पहले तो लगता ही नहीं था अपन को किसी से कहीं की असुविधा वाली बात हो, मैंने कभी मंत्री क्या, अब तो कैप्टन जयपाल सिंह मिनिस्टर जनसंपर्क के रहे, होम मिनिस्टर रहे, त्रिपाठी जी रहे, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि अपन को कोई परेशानी किसी आम जनता। रात को 11 बजे भी है रेवना चोरे हेल्थ मिनिस्टर थे हमारे, एक मित्र बीमार हुए, हम लोग रात को 11 बजे पहुंच गए उनके पास, तो उन लान में बैठे हुए तो क्या हुआ भाई, ये मित्र बीमार है, उन्होंने फ़ौरन बुलाओ उसको, लगाओ सुपरिटेंडेंट को फ़ोन लगाओ, उपचार करवाओ इसका। उसमें लगा ये है कि ऐसी स्थिति होती थी कि आम जनता से जुड़ाव रहता था, आज स्थिति ये है कि मंत्रियों से, ये तो छोड़िए आप 28 मंत्री हैं उनमें से 4 मंत्री बताने के वो जाके और पीसीसी कार्यालय में बैठे हों, इन्हीं के पार्टी अध्यक्ष के निर्देश थे कि हर मंत्री जो है वो पीसीसी में जाके बैठेगा और कार्यकर्ताओं से मिलेगा, आम जनता की बात छोड़ दीजिए, कोई मंत्री वहाँ पीसीसी में जाके नहीं बैठ रहा। दूसरी बात यह है कि जो सिस्टम जो है उस सिस्टम को पूरे को जो समझ नहीं आता मेरे कि किस तरह से, अब आप जनसंपर्क में देखिए, जनसंपर्क में 40 वर्ष हो गए तिवारी जी, कभी क्या पत्रकार अपने घर में जाता है तो क्या वो पर्ची भेजता है क्या मुझे घर में आना है? आप बताइए, इस तरह का ऐसे अधिकारी बिठा दिए, ऐसा सिस्टम लागू कर दिया आपने, अब जो भी बात होती है उस मंत्री से बात कर लीजिए आप। अरे भैया अधिकारी किस लिए बिठा रहे हैं आपने, सारी बातें मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी को तय करना है, तो फिर ये अधिकारी काय के लिए है? हटा दीजिए सब अधिकारियों को, मंत्री को मुख्यमंत्री से चलवाइए सरकार आप। कुल मिला के ये ना तो ये अधिकारी सहयोग करना चाहते और ना अभी बीच में देखिए चुनाव आयोग के इसके चुनाव के समय ये कांग्रेस के लोगों ने शिकायत की थी, ये अधिकारी भ्रष्ट है, ये अधिकारी भ्रष्ट है, ये अधिकारी भ्रष्ट है,
बाकायदा नाम दिए थे, सूची दी थी, जांच कराई थी, वो सारे भ्रष्ट अधिकारियों के तबादले हो गए थे और चुनाव का रिजल्ट आने के पहले वो सारे अधिकारी वापस आ गए अपनी पोस्टों पर बैठे। दीपचंद जी इसके साक्षी हैं, वो भोपाल नगर निगम की बात करता हूँ, इसे बता दीजिए आप तीनों अधिकारियों को जिन्होंने शिकायत की थी वो मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता हो गए। स्थिति ये है कि अब ना कोई समझने को तैयार है, ना सुनने को तैयार है और ना प्रशासन में किसी तरह की कसावट आने को तैयार है। बिल्कुल यहाँ दीपचंद जी बात ये उठती है कि जनता की बात उठ रही है और आप जब विपक्ष में थे तो आप जनता की बात उठाते थे, अभी क्या भूल गए कि ये ई टेंडर घोटाला 800 करोड़ 80,000 करोड़ ये कहाँ है, अब भूल गए क्या, FIR भी नहीं करा रहे। देखिए इसको देख करके अध्ययन करा करके लीगल सेल जो हमारा है और जो लॉ मिनिस्टर हैं इसके पर संज्ञान लेकर के अगर कि इसमें ये हुआ है घोटाला हुआ है तो जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध जरूर कार्रवाई की जाएगी। पर ये तो मतलब दीपचंद जी बड़ा अपने आप में चिंता का विषय है कि जो कांग्रेस इस घोटाले को लेकर इतना हंगामा मचा रही, चार चार छः छः बार आपने कॉन्फ्रेंस की इस बात को लेकर विपक्ष में रहते हुए, अब ये घोटाला ही नहीं दिख रहा आपको? नहीं घोटाला दिख रहा है और घोटाले देर क्यों लग रही है? नहीं घोटाले वादों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और सक्षम कार्रवाई और हम पूरी तरह से उसको अध्ययन करने के बाद में कोई इस तरह लेकुना नहीं छोड़ना चाहते जिससे ये घोटालेबाज निकल भागें, पूरी तरह से उसको करके निकल और कार्रवाई की जाएगी उसमें। नहीं पर यहाँ यादव जी आप तो चूंकि एक वकील भी हैं, समय अवधि के बाद मांगा गया कोई भी न्याय आपके उसके हकदार नहीं होते हैं, ये खुद न्याय की प्रक्रिया कहती है। सवाल ये है कि जब आप ही को चिंता नहीं है, आप ही का क्लेम नहीं है, तो आप कैसे न्याय मांगने जाएंगे? जब अभी आप कह रहे हैं कि 2 महीने हो गए अभी तो हम जांच ही कर रहे हैं, आप काहे की जांच कर रहे हैं? अब तो आपकी सत्ता है, FIR करा दे, जांच होती रहेगी। नहीं FIR कराना चाहिए और मैं अभी इस बात को विधि मंत्री और जो विभाग से संबंधित मंत्री उनसे भी मैं चर्चा करूँगा और जब अगले बार आपसे साथ भेंट होगी तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल चुका होगा, वो कार्रवाई हो चुकी होगी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यहाँ प्रधान जी आपको क्या लगता है जो घोटाले BJP ने किए वो घोटाले नहीं थे या फिर इन्होंने बस एक हवा खड़ा कर दिया कि ई टेंडर घोटाला, अब जब खुद सत्ता में आए तो 2 महीने से पता ही नहीं चल रहा। FIR का मतलब कोई अपराध नहीं होता है, FIR का मतलब होता है प्रथम दृष्टया कोई रिपोर्ट दर्ज करा देना। अब ये सरकार अगर रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा पा रही तो BJP इसको इशू क्यों नहीं बनाती? मैं अभी दीपचंद जी की बात सुन रहा था कि समीक्षा कर रहे हैं, जांच करा रहे हैं, लीगल सेल से वो करवा रहे हैं और 2 महीने से सब जांच करवा ही रहे हैं और फिर भी जांच हो नहीं रही है। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है ये डिवाइडेड हाउस है, इनके सब मंत्रियों के नेता अलग अलग हैं, उनका अप्रोच अलग अलग है, उनका लक्ष्य अलग अलग है। कमलनाथ जी सफल हो जाए मुझे लगता है इनके मंत्रियों की ये अपेक्षा यानी ये उनकी वो इच्छा नहीं है। यहाँ सतीश जी आप क्या महसूस करते हैं, कमलनाथ जी की राह निष्कंटक हो, वो अच्छे से शासन कर पाएँ, इसमें मंत्रियों का योगदान नहीं है या ऊपर से ऐसा नहीं होने दे रहे हैं इसी वजह से मंत्री भी छटपटा रहे हैं? नहीं है ही नहीं ना साहब, ऊपर से सवाल ये है ना, कमलनाथ जी को तो सूची दे दी गई थी कि आप ये इतने लोग हैं शपथ दिला दीजिए, आप किसी को आए जा किसी को बाय किसी को जाए सा आए, आपको तो इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाना, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 28 कैबिनेट एक साथ मिनिस्टर एक साथ बनाएगा, जबकि राज्यमंत्री बनते थे आपने देखा होगा उनको थोड़ा सा ज्ञान दिया जाता था, कोई सीखते थे समझते थे, आपने 28 कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए, अब उन्हें बोलने नहीं आता, भाषण नहीं पढ़ पाई, एक तो मंत्रणी इनकी मुख्यमंत्री जी का संदेश जो होता है वो नहीं पढ़ पाई। दूसरी बात ये है कि दीपचंद जी ने जैसा कहा, आप मुझे एक बात बताइए कि आप ही के विधायक थे जिन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाए, विधानसभा में शासन का रिप्लाई आया, वो आज उन्होंने रिकॉर्ड है और वो विधायक आज आपके मंत्री बने हुए हैं, आप मुझे बताइए आप समीक्षा कर रहे हैं देखेंगे समझेंगे तो, अरे वो तो सिद्ध है ऑलरेडी ना, उनका जो रिप्लाई आया उसी पे FIR बनती है ना साहब, मुकदमा कायम होता है उस पर, अभी तक कार्रवाई हो जाना चाहिए, गिरफ्तार होती 1,77,78 करोड़ रुपए का रिप्लाई दिया था, ये फर्जी लोगों ने जो है बना के वेबसाइट और पैसा खा गया और उनका पता नहीं है, ये रिप्लाई आपके मंत्री बाला बच्चन जी ने पूछा था, वो आज मुझे नहीं जीतू पटवारी जी ने पूछा था, कुल मिला कि आप सारी चीजें आपके सामने है उसको आप करना नहीं चाहें और उसका दोषारोपण आप BJP पे जनता पे या समीक्षा करेंगे और देखेंगे और लोकसभा चुनाव बाद विधानसभा, ये
क्या इससे क्या असर होता है, आप जनता को गुमराह करना चाहते हैं, इसका मतलब तो ये होगा। देखिए भैया, एक बात और भी उठती है कि मंत्रियों के आदेश अधिकारी नहीं मान रहे हैं, वो कहते कुछ हैं और होता कुछ है। लगातार फ़ोन पे फ़ोन लगाए जा रहे हैं, कई तो IAS अफसर फ़ोन ही नहीं उठा रहे कैबिनेट मंत्रियों के, और जो उठा भी लेते हैं वो कहते हैं हाँ हाँ देखेंगे समझेंगे कर लेंगे। ये इसे क्या माना जाए, ब्यूरोक्रेसी आपको असहयोग कर रही है, या फिर आपके नेताओं को मंत्री बनने के बाद मंत्री पद की क्या गरिमा है, क्या अधिकार हैं, ये पता नहीं है। देखिए अभी कुछ भी होता है, मंत्रियों के अगर आदेश नहीं मानेंगे प्रशासनिक अधिकारी तो निश्चित ही उनको वहाँ से हटा देना चाहिए। और हटाना कोई पनिशमेंट थोड़ी है, नहीं पर नहीं, लेकिन जो शासन की नीतियों को शासन के कार्यक्रमों को अगर जो फॉलो नहीं करता है उसको क्रियान्वयन में किसी प्रकार के रोड़े अटकाता है तो उसको वहाँ से बिल्कुल हटा देना चाहिए, और ऐसे सक्षम अधिकारियों को बिठाना चाहिए। देखिए अधिकारी ब्यूरोक्रेट तो वही हैं, उनको उनकी तो नौकरी पक्की है, जितने यादव जी कुर्सी बदलने से ही सही बात है भाई, इस कुर्सी से उसमें बदल तो आदमी तो वही रहेगा, अधिकारी तो वही रहेगा। एक बात यहाँ उठती है कि अगर आप अधिकारियों के बारे में ऐसी धारणा रखते हैं तो आप ही पहले सत्ता में रहे हैं, 60 साल आप सत्ता में रहे हैं, आपके ऐसे भी मुख्यमंत्री रहे हैं स्वर्गीय अर्जुन सिंह जो आँख की कनखियों से देख लेते थे तो अधिकारी की हवा खराब हो जाती थी नहीं हो जाती, बिल्कुल सही बात कह। तो आज जो है वो मुख्यमंत्री 10 बार कह चुके सार्वजनिक समारोह में, तमाम उनके ऑफिसर्स मीट में, कि भाई वक्त बदलाव का आ गया, मैं बदल गया, आप भी बदल लीजिए, वो नहीं बदल रहे। एक आपको उदाहरण देता हूँ, प्रमोद अग्रवाल का प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, बहुत सारे विभाग शिवराज के भी महकमे में, ये शिवराज के समय में भी अच्छे महकमे मिले थे इनको और अभी फिर इनको मिल गए। एक रेप पीड़ित बच्ची जो है, मासूम जो है, उसको सरकार ने मकान देने की घोषणा की थी, वो मकान देने में इन्होंने पेच फंसा दिया, मतलब उसकी शिकायत वहाँ तक पहुँची। उसके बाद फिर किया क्या हुआ, ये कि साहब एक विभाग बदला और 4 विभाग लेके उनको दे दिए, कह लगा अब तुम श्रम देखो, अब तुम तकनीकी शिक्षा देखो और रोजगार देखो। जो आदमी किसी मासूम बच्ची के साथ न्याय नहीं कर पा रहा वो बेरोजगारों के साथ कर लेगा क्या? देखिए बिल्कुल ये चिंता का विषय है और इस पर संज्ञान मुख्यमंत्री जी को और संबंधित मंत्रियों को लेना चाहिए, और अगर वो सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध जो प्रशासनिक मतलब जो कार्रवाई करना चाहिए वो करना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। और उसका पूरी तरह से अगर इस तरह का असहयोग करते हैं या मिसगाइड करने का लिए गुमराह करने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते हैं मंत्रियों को या मुख्यमंत्री को, उनके विरुद्ध प्रशासनिक स्तर पर ही नहीं राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। क्या कहेंगे आप सतीश जी, ये जो अधिकारियों की मनोभावना बनती जा रही है कि पहले BJP के समय भी असली राजा वही थे और BJP वाले उसी के चक्कर उनके ही चक्कर में सत्ता से बाहर हो गए, अब ये भी उन्हीं के भरोसे हैं? नहीं तिवारी, कोई बदलाव लगी नहीं ना, सवाल ये ना सर, देखिए इसके पहले चीफ सेक्रेटरी एंड्रयू डिसा थे, तो एंड्रयू डिसा ने क्या एक सिस्टम बना रखा था कि भाई मैं आम पब्लिक से मिलूंगा और आम पब्लिक से मिलकर वो उनकी सुनवाई करते थे और जो समस्या है उनका निदान करते थे। मुख्यमंत्री जी ने जो अभी दीपचंद जी ने जैसा कहा, जो आपने कहा मुख्यमंत्री जी ने बदलाव क्या किया, इसको यहाँ से उठा के वहाँ, उसको वहाँ से उठा के वहाँ कर दिया आपने, तो अधिकारी तो वही है ना साहब। जब अधिकार आपने अधिकारियों को चेंज नहीं किया, अब आप वो रेड्डी साहब को ACS बना के ले आए जनसंपर्क विभाग का, अभी मैंने तो पहली बार देखा था कि जनसंपर्क विभाग में भी ACS होता है। अरे भाई जनसंपर्क विभाग में आयुक्त होता था और वही सेक्रेटरी हुआ करता था, वही डायरेक्टर हुआ करता था, एक नई परंपरा आपने कायम कर दी। अब सवाल ये गिरफ्त कहाँ से बने, ना अधिकारी सुनने को तैयार है ना नीचे के लेवल से कोई सुनने को तैयार, काम तो नीचे के लेवल के लिए मशीनरी करती है, तो वहाँ भी आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, ऊपर भी कोई परिवर्तन नहीं किया। नहीं पर ये कह रहे हैं कि परिवर्तन करेंगे, एक सीट से उठा के दूसरे पे भेज सकते हैं, पर वो सुन नहीं रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं सर, आप ये बताइए ना मुझे भाई, अपन ने इसको उठा के वहां से वहां बिठा दिया, इसको वहां उठा के वहां बिठा दिया, वो जिन पे आप आरोप लगाते रहे हो कल तक वही लोग होगा, उनसे आप काम ले रहे हो, बिल्कुल नाक के बाल हो गए। फिर वो आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं जनता को, प्रदेश की लोकसभा चुनाव क्षेत्र पे देखिए, ये फीडबैक तो ऑलरेडी इनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुँच गया है, बता दूं मैं एक बात आपको, और उनको ये सब अवगत करा दिया गया है, वो कार्यकर्ताओं में भी इसको बात को लेकर संतोष है। जनता की बात तो खैर छोड़ दीजिए आप, लेकिन जो उच्च स्तर के बड़े नेता हैं इनके, उन्होंने अवगत करा दिया है
कैसा काम नहीं हो रहा है, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है, मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो रही है, और अव्यवस्था का माहौल है। और जो एक कोटरी टाइप की बन गई थी पहले शिवराज सरकार में, वही कोटरी अधिकारियों की अब बन चुकी है। इस पर थोड़ा विचार करना है। इसीलिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विमानतल पर वहाँ एयरपोर्ट पर ही क्लास ली है और वगैरह सबको समझाया है, और वहाँ इन्होंने एक बैठक करी है और निर्देशित किया है कि किसी तरह की कोई शिकायत दोबारा मेरे पास नहीं आना चाहिए, नहीं उसको मंत्रिमंडल से मैं बाहर कर दूंगा। बिल्कुल दीपचंद जी, यहाँ यही बात उठती है कि बीजेपी के शासन से जनता अजीज आ चुकी थी, उनके घमंड से, उनके काम की शैली से। अब जब आप देख रहे हैं कि यहाँ गलतियाँ कर रहा है कोई व्यक्ति, लगातार आपकी अवहेलना कर रहा है, आप उसको ढांकने छिपाने में लगे हैं। आपके चंद नेता जो है वो कमलनाथ जी पे घेरा बनाए बैठे हुए हैं, वो उनसे मिलने नहीं देते, जैसा कि सतीश जी बता रहे हैं। और दूसरा ये है कि जब आपको लगा कि ये एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा हुआ, तो आपने संदेश क्या दिया? संदेश ये नहीं दिया ना आपने कि आप सस्पेंड कर देते उस संबंधित IAS को। इतनी ताकत, इतने गुर्दे थे नहीं आप में? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर ये जो घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो भी उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति थे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए थी, और मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन कभी कभी हम लोग किसी जब हम जांच करने के लिए जाते हैं तो क्योंकि मैं खुद एक दीपचंद जी, सवाल ये नहीं, सवाल मैसेज का है। अगर मैसेज ये जा रहा है कि एक रैप पीड़िता मासूम बच्ची को 6 महीने से मकान नहीं मिला, तो ये शर्म से डूब मरने का विषय है कि नहीं? देखिए, मकान मिलना नहीं, ये सिस्टम की खामी है कि नहीं? मैं सिस्टम की खामी है, मकान मिलना एक अलग बात है, और उसको अगर ये जो जो घटना हुई है उसकी जांच करके दोषी व्यक्ति, अरे वो तो छोड़िए, वो तो छोड़िए, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति घोषणा कर रहा है कि इस बच्ची को एक छोटा सा मकान दे दिया जाए इसके गरीब परिजनों को, तो उसमें आपके अधिकारी फच्चर फंसा रहे हैं। इनको तो चौराहे पे खड़े करके और इनकी निंदा करना चाहिए आपको। बिल्कुल निंदा, मैं आपके माध्यम से भी निंदा और कार्रवाई करना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। और मुख्यमंत्री को संज्ञान लेकर तत्काल प्रभाव से वे अधिकारी जो रोड़े हटका रहे हैं, आपने और अच्छा विभाग दे दिया। क्या अब आप जो है 714 करोड़ जो बेरोजगारों को बटेगी खैरात, उसका कहना काम धाम अब आप देखिए। देखिए, खैरात तो नहीं होती है, किस तरह की ये खैरात नहीं तो क्या है? आप खुद बताइए मुझे कि जब आप फ्री में किसी को पैसा दे रहे हैं ना, आप उसको ये बता रहे हैं कि भाई आप फलाने विभाग में काम करो या फलाने कंपनी में काम कर लो, वहाँ से जो पैसा मिले बाकी का हम दे देते हैं, जो आपके घोषणा पत्र में लिखा हुआ था, आप वो तो नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं साहब, हम इतना दे देंगे आपको, ले 13,500 रुपये। देखिए, मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, व्यक्तिगत मेरा ये इस तरह का लोगों को फ्री बांटने का, सब ने, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये इन लोगों ने अपने वोटों के खातिर जो फ्री बांटना जो शुरू कर दिया है, ये बड़ा चिंता का विषय है। और इससे आम जनता पर बहुत आर्थिक जो असर पड़ता है और विकास बढ़ता है, इस पे गंभीरता से सभी पार्टियों को, क्योंकि एक पार्टी की बात नहीं है, ये जो फ्री बांटने की जो हो गई है उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आम जनता पिसती है, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा पिसता है, क्योंकि मैंने देखा। अंतिम सवाल आपसे कि ये जो सिस्टम डेवलप हो गया है, ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी पर हावी हो जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेसी में किसका क्या अधिकार है, कैसे काम होता है, ये अब ना तो नेता समझा पा रहे हैं अधिकारियों को, और ना बाकी के लोग, जो उनकी इच्छा होती है उस वो कर रहे हैं, फलाना नियम फलाने कायदे, और उन्होंने लेके और पूरा का पूरा गड़बड़ कर दिया। आपके यहाँ भी यही हुआ कि शिवराज जो हैं वो ऐसे मस्त मगन हो गए थे कि मैं हीरो, मैं टाइगर, मैं फलाना, मैं लायन, और मैं जो भी हैं वो, पर उन्हीं की वजह से सरकार तो गई ना। आपको नहीं लगता कि वो गलतियां जो हुई हैं वही की वही अभी हो रही हैं, और ये गलतियां आपने की थी? देखिए, अधिकारी कहीं ना कहीं निरंकुश होते जा रहे हैं, इस बात को स्वीकार करने में कोई मैं इसको नहीं समझता कि ये गलत है, पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के बीच से आते हैं, जिनके पास जनता डायरेक्ट अपनी अपील करती है, उनसे अपनी अपेक्षा करती है, वो अगर जैसे कहते हैं कि घुड़सवार अच्छा ना हो तो फिर घोड़ा कंट्रोल में। आपका घुड़सवार खराब था ना? नहीं,
हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप ज़्यादा विस्तार से नहीं बोल पाएंगे, पर सतीश जी से जल्दी से मैं जवाब चाहूँगा, इनका घुड़सवार खराब था कि नहीं, इसी की वजह से इनकी सरकार गई और अब इधर भी ये स्थिति बन रही है। घुड़सवार इनका अगर खराब नहीं हुआ था तो ये सत्ता से क्यों बाहर होते, इनका घुड़सवार खराब था और उनके जो सलाहकार थे उन लोगों ने तो डुबो दिया बीजेपी को, वो और लद गए उनके ऊपर। बिल्कुल, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं जनता की बात करूँ, जनता सब जानती है और जो नेता, जो मंत्री, जो मुख्यमंत्री जनता की उपेक्षा करते हैं, जनता भी उनकी उपेक्षा कर देती है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।